बहुत लेट हो गया, दूसरे कामों में बिजी था थोड़ा। अब सो गाइस, नेक्स्ट वर्कआउट है ओल्ड स्कूल बेंड ओवर रोस। अब सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो अभी आया हूँ मैं जिम पर और टाइम हो रहा है 11 बज रहे अभी। बहुत लेट हो गया, दूसरे कामों में बिजी था थोड़ा। अभी जा रहा हूँ जिम को, ऊपर है जिम। एंड अगर आप चाहते हैं कि बगैर प्राइस देखे कोई चीज़ खरीदे, तो आपको काम करना होगा बगैर घड़ी देखे, यानी कि बगैर क्लॉक देखे आपको वर्क करना होगा। सो जब भी आप खरीद सकेंगे बगैर प्राइस देखे चीज़ें। चलिए चलते हैं ऊपर, फोर्थ फ्लोर पर जिम है। और ये मेरा हेयर कट, हेयर वॉल्यूम नहीं आ रही भाई, कोई कमेंट करके बोलो कि हेयर में वॉल्यूम कैसा लगे। वैक्स ये वो सब यूज़ करने नहीं आता मेरे को, पूरे कटिंग तो खराब है मैं, लेकिन पूरा बढ़िया है वाला। कभी कभी हेयर ड्रायर वो यूज़ करे तो अप रह रहे जरा वॉल्यूम है भी मालूम, बाकी के टाइम पूरा ऐसे ही छो जा रहा। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, सो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फिजिक अपडेट करने वाला हूँ मैं, जो मेरा ऑफ सीजन चल रहा उसके बारे में अपडेट करने वाला हूँ। एंड वीडियो टॉपिक आप लोग देख चुके हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी चलते हैं ऊपर, देन मिलते हैं जिम में। चलिए अब What's up guys, welcome back to my YouTube channel with another new video, with another new episode of beginner series. So जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि आज मैं बतलाने वाला हूँ 5 best back workouts for beginners. क्योंकि मैं सोचा कि जब मैं जर्नी स्टार्ट करा तो मैं भी बहुत सारे YouTube वीडियोज़ देखा, सो अब जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे अपनी जर्नी, उनके लिए मैं ये सोचा कि बिगनर सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो आज मैं करूँगा 5 पैक बेस्ट वर्कआउट्स फॉर गाइस। अगर आप लोग बिगिनर हैं और आप लोग अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं या पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं, सो आई डू रिकमेंड बेस्ट मसल ब्लेज बिगिनर्स प्रोटीन। सो आई रिकमेंड दिस फॉर यू, बिकॉज गाइस प्रोटीन के कई सारे सोर्स होते हैं, लाइक सोए, कैसिन, पी एक्सेट्रा। सो वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिचर एमिनो एसिड छोड़ते हैं एंड ये मसल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एंड मसल ग्रोथ होता है। सो बहुत लोग मसल वे प्रोटीन आपको प्रिफर्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मसल रिकवरी है। 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग, जो एक ऑप्टिमम डोजेज है फॉर बिगिनर्स। एज अ बिगिनर इट विल बी ईजी फॉर यू टू डाइजेस्ट दिस मच प्रोटीन एट वंस। ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो जिम एग्जॉस्टेड है एंड जो होम वर्कआउट भी प्रिफर करते हैं। सो इसमें कई टेस्टी फ्लेवर्स है, लाइक चॉकलेट, मैंगो, ब्लूबेरी एक्सेट्रा। और ये मिलता है आपको 1199 में, एक मंथ का प्रोटीन मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है गाइस, सो डू चेक दिस आउट, लिंक इन द बायो एंड बाय फॉर योर सेल्फ। बहुत ही बढ़िया है एंड देख चुके हैं आप सब, बोल चुका हूँ मैं, एंड बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप लोग इसे यूज करें तो। So check out the link in description. All right guys, so काफी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या पहनते हैं आप। सो ये wrist band है, wrist को सही रखता, ग्रिप रहती अच्छी। सो फर्स्ट वर्कआउट करने वाले हैं हम रिवर्स लैट्स पुल डाउन।
सो इससे क्या होगा कि आपके लोअर बैक में एंड ओवरऑल ट्रैप में उसमें रियर डेल्ट में थिकनेस आएगी. सो फर्स्ट ये ग्रिप मारेंगे. अब एल्बोस जो है जितना हो सका उतना क्लोज रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये क्लोज ग्रिप आप रिवर्स लैट्स पुल डाउन है. सो जिससे आपको ये इफेक्ट होगा लोअर एंड जितना स्ट्रेच करें आप उतना बेनिफिट रहेगा. सो फर्स्ट रूटीन ये ऐड करो आप बिगनर्स में, जो भी बिगनर्स देख रहे हैं फर्स्ट रूटीन ये ऐड करो, बहुत ही अच्छा है. तो गाइस नेक्स्ट वर्कआउट ये रहेगी कि ये जो मानना है हमने ओल्ड स्कूल लैट्स पुल अप्स 4 सेट्स मानना है आपको, 15 रेप्स 12 रेप्स जो भी आप रेप्स काउंट करते हैं उस हिसाब से ओल्ड स्कूल लैट्स पुल अप्स. सो ये आपको मानना है 3-4 सेट्स अराउंड 15-12 रेप्स. सो ये वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिव है आपको लैट्स के लिए जो बहुत ही ब्रॉड बात है. सो ये ऐड करो अपनी वर्कआउट में. नेक्स्ट वर्कआउट बतलाता हूँ, चलिए. सो नेक्स्ट वर्कआउट है सी टाइट रोज, जो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं सिंगल आर्म लेते हैं जिससे आपको फॉर्म नहीं मिलता है. फॉर्म के लिए सी टाइट रोज ये, एंड इसके अंदर एक बहुत बड़ा लोग गलती करते हैं कि जब भी ये सीटेड मारते हैं ये ऐसा करते हैं, जो आप साइड से देखिए आप ये पूरा क्रॉस हो गया है आपका इफेक्ट नहीं हुआ. आप बैक स्ट्रेट रखें, फॉरवर्ड चेस्ट करके जस्ट रिलीज एंड होल्ड फॉर 2 सेकंड देन रिलीज. सो ये रूटीन ऐड करो आप लोग जिससे आपको बहुत ही अमेजिंग बैक बिल्ड होगा. बिगिनर्स के लिए बहुत बेनिफिट है ये, क्योंकि सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सीटेड रोज या टी बार रोज, क्योंकि टी बार बिगिनर्स के लिए क्या होता है बहुत लोग फॉर्म सही नहीं रखते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोग सीटेड यूज़ करें बहुत अच्छा रहेगा. सो नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं, चलिए. सो गाइस नेक्स्ट वर्कआउट है ओल्ड स्कूल बेंड ओवर रोज, जो ओल्ड स्कूल में ज़्यादा लोग यूज़ करते थे बेंड ओवर रोज, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं रॉनी कॉलमैन के सबके, इसमें हाय लाइट वेट बेबी क्या मारता है वो. सो ये फर्स्ट डाउन ये आप लोग ऐड करो बेंड ओवर रोज. इसके अंदर आपका फॉर्म यही रहना चाहिए कि लिटिल डाउन चेस्ट अप देन पुल रिलीज पुल. सो ये इससे आपको क्या होगा, ये जितने भी वर्कआउट बता रहा हूँ बैक के आपको मैं कंप्लीटली, इसके अंदर आपको थिकनेस के लिए भी है. नेक्स्ट वर्कआउट बताऊंगा मैं. बैक थिकनेस जो होती है लोअर बैक जो सेंटर ट्रेपेज़ी का होता है ये रेयर डेल्ट उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये लोग जो वर्कआउट्स है. सो 4 वर्कआउट्स हो गए, 5th वर्कआउट में बताता हूँ सुपर शेडर्स. चलिए देखते हैं इस 5th वर्कआउट.
सो फिफ्थ वर्कआउट जो है माय फेवरेट वर्कआउट, स्ट्रेट आर्म लैट्स पुल डाउन एंड विथ सुपर सेट लो, ये नीचे लगा कर आपको केवल रोस मारना है क्लोज ग्रिप। सो फर्स्ट ये, इसके अंदर बहुत लोग गलती ये करते हैं कि स्विंग करते हैं इसको ऐसा यूं ऐसा स्विंग करते हैं, स्विंग नहीं करना है, स्ट्रेट स्टिक होकर बस कम ऑन। सुपर सेट लोअर एंगल कर दो लाइक दिस, देन केबल रोज एंड बहुत सारे बिगनर्स की ये गलती होती है कि मूवमेंट जो भी करते हैं एकदम फास्ट करते हैं। मैं बहुत सारे बिगनर्स को लेकर करा हूँ वर्कआउट, वो लोग एकदम फास्ट फास्ट करने जाते और कंप्लीट सेट नहीं मारते, होल्ड नहीं करते। सो स्लो मारना है आपको होल्ड करते हुए, ये लिए फर्स्ट प्लीज। सो गाइस ये 5 वर्कआउट्स है, इसके अंदर आपको 3-3 सेट्स यूज करना है। सो बिगनर्स के लिए थी ये वीडियो, बहुत लोग भी कर सकते हैं दूसरे, जैसे मैं भी करता हूँ, मेरी फेवरेट वर्कआउट है सुपर सेट फिनिशर जो भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियोस भी जो अपलोड करूँगा, कमेंट करो आप लोग कि आपको नेक्स्ट कौन सी वर्कआउट की वीडियो चाहिए, लाइक चेस्ट शोल्डर, सो हम उसकी तरह करेंगे, बिगनर्स सीरीज अपलोड करेंगे। एंड देखते रहो, वीडियो भी बाकी है भाई। ऑलराइट गाइस, ऐसी लगी वीडियो, कैसा करा मैं आप लोग को जैसा एक्सप्लेन करा, कमेंट करो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। रात में अभी फिलोखर टाइम हो रहा है 12 o'clock और अब शूट हो रहा है, सो एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक ठोको यारो भाई। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे, जो लोग मेरे से मोटिवेट होते, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से कई ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग भी वो शेयर करिए बिगनर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। एंड फ्रॉम नाउ एवरी वीक आई विल अपलोड 2 videos or 3, सो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, बी हैप्पी एंड डोंट ट्रबल योर मदर गाइस।